अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन, एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। तो गाइस अभी के टाइम में आप लोग रैंक चेक कर सकते हो, तकरीबन 600 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 200 के आसपास थे, लेकिन इतना ज्यादा माइनस हुआ है। अभी मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। हिस्ट्री में देखिए कि तकरीबन हर दूसरी गेम माइनस ही हुए। दूसरी गेम क्या ही बात करें, पहली गेम भी माइनस हुई। ये चेक करो, 49 का माइनस, 31 का माइनस, 46 का माइनस, 37, 30, तो बहुत ज्यादा माइनस हुआ है। बट आज का जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर कोई भी न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाजमी से बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेट कर देना है, वीडियो को भी लाइक करना है। यहाँ पे किसी गन के आई थिंक ईवो के टोकन्स हो चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। चलो थॉमसन के यहाँ पे हो चुके हैं भाई 150 लॉजिक थॉमसन हम लोगों ने कर लिए गाइस लेवल 4 की। तो अभी जो हम लोग उतरते हैं साथ एक थॉमसन गन मिलता है, तो वो गेम प्ले थोड़ा सा इंप्रूव जरूर होने के लिए, क्योंकि हेडशॉट का डैमेज भी एक्स्ट्रा पड़ेगा और बॉडी तो वैसे भी आप लोगों को पता है। सो जल्दी से लाइक कर दो, लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पे पुर्गेटरी मैप के ऊपर हम लोगों ने लैंडिंग करी है ब्राजीलिया के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को डबल पिस्टल मिला है, डबल वेक्टर मिला है। तो भाई ये चेक कर रहे हो, कभी तो कुछ भी नहीं बनता और कभी मिलता है तो डबल डबल गन। अपने साथ एक या दो डुओ उतरे थे, तो चार बंदे मैंने तकरीबन देखे थे, दो के राइट के साइड पे और दो लेफ्ट। ये लोग हो बनी यहाँ पे। चलो सोनिया डिमिट्री का यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा सा अपने को मिला है फायदा, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा नॉक हो गया है, बट हम लोग फिर से रिवाइव हो चुके हैं और यहाँ पे बनी को नॉक एंड फिनिश दिया है। काफी अच्छे प्लेयर थे, आई थिंक ग्रैंड मास्टर का होगा, क्योंकि इसके नेम लेवल और इसकी गेम प्ले से लग रहा था कि काफी अच्छा था, क्योंकि इसने हम लोगों को नॉक कर दिया था। अगर हमारे पास डबल वैक्टर नहीं होता तो इसने नॉक भी नहीं होना था और हम लोगों को फिनिश कर देना था, बट कोई ना, यहाँ पे डबल वैक्टर से फर्स्ट किल हम लोगों ने निकाल लिया। अभी इस साइड पे आए थे और भी बंदे, ऊपर की साइड चलते हैं, अगर ऊपर हुआ तो भाई पिटेगा। डबल वैक्टर है तो शॉर्ट रेंज में तो भाई तबाही है, जीरो उसको तो किसी ने मार दिया है। इस साइड में भी आई थिंक एक है। चलो ये रहा, ये ओहो मिस्टर खालिद, तो यहाँ पे मिस्टर खालिद को भी नॉक करा है। चलो इसको भी फिनिश कर लेते हैं और इसके साथ दो किल जो है ना डन हो चुके हैं। 37 बंदे स्टिल अलाइव है, क्योंकि लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड है, ग्रैंड मास्टर लॉबी है, तो अगर एक आधा बंदा भी मरता है तो बाकी जो स्क्वाड के दो तीन मेंबर है वो सबसे पहले उसको रिवाइव कराएंगे। तो हम लोग भी अपने टीममेट को करा लेते हैं रिवाइव। ओके गाइस, यहाँ पे गाड़ी पकड़ के जा रहे थे, बट यहाँ पे एक बंदे ने बहुत गंदे वाला पंगा लिया और ये लोग नॉक हो चुके हैं वो भी, और हम लोग को भी नॉक हो चुके हैं। सोनिया डिमिट्री क्या कर रहा है, बंदे का रीलोड आ गया क्या भाई? इस बंदे को पहले मारा है, बट इस बंदे ने सोनिया लगा ली थी और हम लोगों से पहले रिवाइव है, बट उसकी जो शॉट गन है वो गन उसकी रीलोड था। ओहो एक और बंदा यहाँ पे आया, काफी अच्छा हेड शॉट इसको भी। क्या भाई दाऊद, पता नहीं डेविड है कुछ इस तरीके का नाम। तो इसका किल कंफर्म करते हैं, हम लोगों के चार हो चुके हैं डन। 34 बंदे स्टिल अलाइव हैं, 34 इस वजह से अलाइव हैं क्योंकि भाई मरने की बजाय बंदे ज्यादा रिवाइव हो रहे हैं, तो मर कम रहे हैं रिवाइव ज्यादा हो रहे हैं। अभी ये वाला सीन चल रहा है, अपना फेवरेट गन यहाँ पे M60 भी मिल चुका है हम लोगों को भाई। जिस टीम में जिस प्लेयर को मारा है उसका टीममेट अभी जोन से आ रहा है, तो इसकी भी लेते हैं, इसको भी मारते हैं। MP5 3 चिप को करते दे रहे हो, काफी अच्छा हेड शॉट, एक गोली का था और इसके साथ इसकी सोनिया चार्ज हो चुकी है, तो इसका किल भी हम लोगों को मिल चुका है। फाइनली 6 किल हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिए और चाबी थी तो चाबी भी इस साइड पे लगाते हैं, लूट वगैरह कर लेते हैं। 4 की वेस्ट हो तो भाई आराम से तो हम लोग एक दो बोट को ले सकते हैं, अगर वो एक साथ भी आ जाते हैं। वैसे तो हम लोगों ने लॉबी सफाई कर देने 4 की वेस्ट के साथ, लेकिन कभी कभी होता है ये कि पूरा पूरा स्क्वाड रश करने के लिए आ जाता है, तो 4 की वेस्ट एक अच्छा कवर होता है आप लोगों के फिस्ट के ऊपर, तो ये काफी अच्छी चीज है। चलो भाई सब गाड़ी लेके हम लोग नीचे जा रहे हैं और एक बंदा पानी के अंदर जा रहा है भाई, ये तो क्या सीधा नॉक एंड फिनिश ही हुआ है। चलो स्क्वाड का लास्ट बंदा बचा हुआ था जो कि रिवाइव देने के लिए जा रहा था, बट इसके साथ ही इसको कंफर्म करें 7 डन हो चुके हैं, 27 बंदे यहाँ पे अभी तक मौजूद है। ओके यहाँ पे पुल की साइड एक स्क्वाड था जिसको काफी अच्छा डैमेज दिया एक बंदे को, क्योंकि इसके पास 4 का वेस्ट था, तो ये बंदा जो है ना मरने का नाम भी ले रहा था, बट कोई ना, यहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 एंटी लॉन्चर मारे हैं। ग्लिच की वजह से इसको जो डैमेज है ना वो पत्थर की साइड में पड़ा था, बट इसको नहीं पड़ रहा था। चलो अगेन ये सोने डिमिट से रिवाइव जरूर है, बट हम लोगों ने इसको नॉक एंड फिनिश दे दिया इस टाइम, तो इसके साथ ही हम लोगों ने कर लिए भाई 8 किल डन। यहाँ से टोकन भी क्लेम कर लेते हैं और फिर से गाड़ी पकड़ लेते हैं। ओके यहाँ पे जोन के अंदर अभी भी एक बंदा मौजूद है, यहाँ पे गाड़ी के साथ एक अच्छी टक्कर और इसको भाई हम लोगों ने नॉक एंड फिनिश दे दिए एसटी को नॉक एंड फिनिश देने के बाद हम लोगों ने 9 किल कंफर्म कर लिए। अभी भी जोन के अंदर बंदे अलाइव हैं, इसको बहुत अच्छा डैमेज पड़ा था भाई, गाड़ी से एक दो शॉट्स लगे हैं,
और इसका किल हम लोगों को मिल चुका है। तो लो रियाज भाई को भी रिवाइव करा लेते हैं तब तक। ओके उसको हम लोगों ने रिवाइव भी करा लिया और ऊपर की साइड एक बंदा है जो कि काफी अच्छा, ओहो गया भाई यहाँ पे M249 का काफी अच्छा बॉडी स्प्रे के साथ हेड शॉट। एक और बंदा रश के लिए आ रहा है तो ये तो पिटेगा भाई MP5 से। ओहो इसको भी एक अच्छा हेड शॉट गया भाई, स्क्वाड ही वाइप आउट हो चुका है। तो 11 किल कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंफर्म कर लिए, 8 बंदे स्टिल अलाइव है भाई। यहाँ पे लास्ट जोन में अभी मिशन कर ही रहे थे बट भुया हो गया, मिशन नहीं हो पाए। अभी के लिए इतना ही, वीडियो लाइक कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।